गैस यहाँ पर शाओमी हाइपर वेस्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिले हैं चाइना में, क्योंकि इंडिया में यार फीचर्स बहुत कम आते हैं और कुछ सेलेक्टेड ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वो सारे फीचर्स जो चाइना में मिले हैं देखने के लिए, वो जो प्रीमियम फीचर्स हैं, वो आप इंडिया में काफ़ी सारे डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे ये हाइपर वेस्ट का जो यहाँ पर सुपर विजिट सेक्शन, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है हमारे डिवाइस के अंदर, जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और ये सारे ही विजिट्स वर्किंग है, ऐसा नहीं वर्किंग नहीं है, ये जो विजिट्स हैं वो सारे वर्किंग है। एक एक विजिट, मतलब जितने भी यहाँ पर आपको सेक्शंस दिख रहे हैं, ये सारे वर्किंग। और उसके साथ आपको सुपर एनिमल पेट्स का भी फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर डायनेमिक जो अलार्म क्लॉक है वो मिलती है। देन यहाँ पर आप देखोगे ये एनिमल के जो सुपर पेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये सारे चाइनीज फीचर है, मतलब ये फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेज में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में इंडिया में ये किसी भी डिवाइस के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये सुपर एनिमल पेट्स और यहाँ पर ये जो सुपर विजिट्स हैं, सुपर आइकन्स हैं, वो आप यहाँ पर इंडिया में कैसे यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना। तो लाइव मैं आपको यहाँ पर जो है फ्लैश करके दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए रूट TWRP वगैरह किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। और ये अपने MIUI 14 में हाइपरवेस्ट वगैरह में भी आप एक्सेस यहाँ से कर पाओगे। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक ज़रूर दो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये जो सुपर विजिट्स हैं, ये देखने में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहे हैं, और ये जो सेक्शन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये सारे वर्किंग, ऐसा नहीं कि ये वर्किंग नहीं, ये सारे ही वर्किंग। आप देखो इन पे टैप एंड होल्ड करोगे तो कुछ इस तरीके से ये जो विजिट्स हैं वो सारे वर्किंग हैं, सारे यहाँ पर काम करते हैं। जितने भी आप देखोगे यहाँ से, ये जितने भी विजिट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ही वर्किंग है। इसमें डेटा का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आज की डेट में आपने कितना डेटा यूज़ करा, वो आपको डिस्प्ले पर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितनी मेमोरी बची है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर बैटरी की जो मतलब बैटरी का लेवल कितना है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका कैलेंडर वगैरह है वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। मतलब ये जो विजिट्स हैं सुपर विजिट्स, वो आपको यहाँ पर सारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें ये भी मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो एक विजिट के अंदर ही काम करते हैं। इसमें एनर्जी है, स्टेप्स हैं, बैटरी का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर बूस्ट वाला ऑप्शन है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो सुपर एनिमल पेट्स हैं ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये सारे ही एनिमल पेट्स वर्किंग है। ये अपने MIUI 14 में हाइपरवेस्ट वगैरह में आप एक्सेस यहां से कर पाओगे। उसके साथ यहां पर हाइपरवेस्ट का क्लॉक भी आपको मिलता है, जो कि यार इंडिया के अपडेट में हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये सारे फीचर्स हम यहां पर इनेबल करने वाले हैं। तो भाई इनको कैसे इनेबल करेंगे, और ये सारे ही डिवाइसेज में वर्किंग है। तो चलिए गाइज़ यहाँ पर मैं आपको दूसरे फ़ोन के अंदर ये जो है वो इनेबल करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ जो है वो यहाँ पर काम करती है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये है Redmi Note 10S। तो इसमें मैं आपको यहाँ पर इनेबल करके दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पर जो फीचर्स हैं हाइपरवेस के, वो आप एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। तो भाई उसके लिए आपको यहाँ पर एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हाइपरवेस का सिस्टम लॉन्चर है। आप देख सकते हो ये जो सिस्टम लॉन्चर है ये हाइपरवेस का है, और यहाँ पर ये एक्सट्रैक्टेड फाइल है, इसको चाइना से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये चीज़ जो है वो आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे यहाँ से। हालांकि इस पर MIUI लिखा है, लेकिन ये हाइपरवेस का ही है, क्योंकि ये फीचर MIUI में तो देखने को हमें कभी मिले नहीं, लेकिन ये हाइपरवेस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर कुछ स्टेप्स करना होंगी, जिसकी मदद से हम इसको यहाँ से इनेबल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने डिवाइस के अंदर ये फाइल को डाउनलोड करके रख लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। कुछ इस तरीके से आप सेटिंग में चले जाइए, उसके बाद यहाँ पर अबाउट फोन में जाएंगे, और अबाउट फोन में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर का। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर लेना, उसके बाद मोबाइल डिवाइस का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक कर लेना। आपके फ़ोन में यहाँ पर कोई लॉक वगैरह लगा होगा उसको अनलॉक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सबको हमें अनटिक कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अदर सिस्टम एप्स डेटा, ये वाले पर हमें क्लिक करना हो, कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम लॉन्चर का, आप देख सकते हैं ये सिस्टम लॉन्चर है, क्लिक करेंगे और इस पर बैकअप पे हमें क्लिक कर देना है। इस पर मतलब ओके करने के बाद बैकअप कर देना है, ये 100% बैकअप हो जाएगा। छोटी सी फाइल है, 333 KB की है, मतलब एक MB की भी नहीं है। फिनिश, हमारा काम यहाँ पर हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें बैक चले जाना है। जिस तरीके से हमें बैक आ जाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर, और उसके बाद हमें फाइल मैनेजर के अंदर जो है हमने जो यहाँ पर हाइपरवेस का लॉन्चर है उसको यहाँ पर कहाँ रखा वो हमें देख लेना। तो आप देख, तो यहाँ पर हमें वापस आ जाना है। उसके बाद आप देखोगे ये जो सिस्टम लॉन्चर, इसको हमें यहाँ पर कॉपी करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस पर टैप करेंगे, और यहाँ पर इसको हमें मूव कर देना है। तो सिंपली मूव पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमें देखना है कहाँ पर, उसके बाद हमें MIUI पर आ जाना है। आप देखोगे यहाँ पर MIUI है, उसके बाद हमने जो बैकअप लिया है इसमें हमें पेस्ट इसको करना होगा, बैकअप ऑल बैकअप, और यहाँ पर ये कुछ नंबर्स आएंगे, इस पर भी हमें क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें इस पर सिंपली क्या करना है, टैप यहाँ पर कर देना है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंशन आप देखोगे ये फाइल को रीनेम कर देगा, मतलब इसको जो है रिप्लेस कर देगा, तो हमें ओके कर देना है। बस हमारा काम यहाँ पर हो गया, अब हमें वापस आ जाना कुछ इस तरीके से, ऐसे हम वापस आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सेटिंग में एक बार फिर से जाना है, सेटिंग में जाना है, उसके बाद अबाउट फोन में जाना है, उसके बाद यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर में हमें चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल जो डिवाइस है इस पर चले जाना है, अनलॉक कर लेना जो भी तुम्हारा लॉक हो, उसके बाद यहाँ पर ये सारे टैप हटा देना है, उसके बाद यहाँ पर इस पर हमें इसको हटाओ या ना हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक बैकअप ये ऑलरेडी सिलेक्टेड, हमें रिस्टोर पे यहाँ पर क्लिक करना है, तो रिस्टोर पे हमें क्लिक करना है, इस पर टैप करना है, और हमें क्या करना है यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक कर देना है, तो हमारी ये फाइल जो वो रिस्टोर हो जाएगी। ये हमारा जो लॉन्चर है इंडिया के लॉन्चर से या चाइनीज़ लॉन्चर, मतलब ये जो हाइपरविस्क का लॉन्चर है इसमें ये जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक आ जाना है कुछ इस तरीके से, हमें यहाँ पर बैक आ जाना है। अब आप यहाँ पर मैजिक देखोगे, आप देख सकते हो ये हाइपर ओएस का जो सिस्टम लॉन्चर है और ये हाइपर ओएस के जो फीचर्स हैं वो हमने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे फीचर्स हमारे डिवाइस के अंदर आ चुके हैं। ये वाले जो पेट्स एनिमल हैं ये आप जो है मूव कर सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सारी फीचर्स आप यहाँ से आराम से लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। पहले तो मैं इनको फिलहाल हटा देता हूँ कुछ फीचर्स को, और मैं आपको सारे फीचर्स एक जगह पर इकट्ठा करके दिखाता हूँ, मतलब एक जगह पर यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो सुपर एनिमल पेट्स हैं, ये सारे फीचर्स यहाँ पर आप लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो ये वाला कैट वाला भी आप यहाँ से लगा सकते हो, इसको यहाँ पर रख सकते हो ऐसे। तो आप देखोगे ये बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, मतलब सारे ही वर्किंग हैं। आप देखोगे सिर्फ आपको इतना ही करना है जितना कि मैंने वीडियो में आपको यहाँ पर बताया है, और उसके बाद ये जो यहाँ पर सुपर विजिट्स हैं, सुपर जो विजिट्स के सेक्शंस हैं, ये सारे वर्किंग हैं आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये सारे ही डिवाइस में वर्किंग है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे डिवाइस में, सारे डिवाइस में वर्किंग है। आप यहाँ पर रेडमी शाओमी पोको के किसी भी डिवाइस में कुछ इस तरीके से ये चीज़ जो यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके फ़ोन में नहीं आते तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग में ऑप्शन है, यहाँ पर चले जाना होम स्क्रीन में चले जाना, उसके बाद यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपका क्लासिक पे सिलेक्टेड होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो क्लासिक पे ये फीचर नहीं आते हैं, आपको एप्स वर्ल्ड सेलेक्ट करके रखना होगा तभी ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स इनेबल कर लेंगे फिर भी वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एप्स वर्ल्ड में आप जैसे ही टैप करोगे वापस आओगे तो ये फीचर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि आपको देखने में बहुत ज़बरदस्त लुक जो है वो आपको यहाँ पर आपके डिवाइस के अंदर देते हैं। और ये मूवेबल है, इनको आप अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट और कहीं भी मूव कर सकते हो। सो गाइस कुछ इस तरीके से ये जो फीचर्स है वो आप इनेबल कर सकते हो। ये हाइपरविस्क का जो सिस्टम लॉन्चर है इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है, आप इस फाइल को डाउनलोड करके और यहाँ पर ये चीज़ें जो है इनेबल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स उसको शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।